Push past all the pain that you're going through. It won't last if you move how you wanna move. Get lost in the work that you gotta do to be someone better. You can grow into something new. I could be anything that I set my mind to. Why do what I... पहले तो मैं आपको थैंक्स करता हूँ मेरे चैनल को देखने के लिए एवरी डे. नए व्यूज़ आ रहे हैं, नए यूजर्स आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. तो आज मैं बात करूँगा सप्लीमेंट्स के बारे में. मैं यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज ये पेड प्रमोशन नहीं है. मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना मैं अपना दिन शुरू नहीं करता हूँ. सो ये वो वाले सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है. और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताऊँगा कि जिनके बिना हमारा चल जाता है. बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो. एक छोटा सा आपके लिए बनाता हूँ रोज़ एवरीडे, आप देख ही रहे हो कंसिस्टेंसी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं टॉप 6 सप्लीमेंट्स के बारे में पहले, एंड देन वी विल टॉक अबाउट नॉट सो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स, ठीक है. वो है 3 से 4, और ये जो टॉप 6 हैं जो एवरी डे आई नीड देम, एंड उनके बिना आई डोंट थिंक सो कि बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए. सो मैं पहले टॉप 3 की बात करूँगा और फिर नीचे वाले 4, 5, 6 लेस इंपॉर्टेंट बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और फिर हम बात करेंगे नॉट सो इम्पॉर्टेंट. घर पे बड़े हैं ठीक है, आ गए हैं ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो इनके बारे में बात करते हैं, चलिए चलते हैं पहले. कैसे शुरू करूँ, नीचे से शुरू करते हैं ना, सही तरीका तो यही होता है, ठीक है. तो बात करेंगे पहले टॉप 6, और यहाँ पर बात करेंगे नंबर 1 सप्लीमेंट की, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर आप बोलते हो तो यहाँ से शुरू करते हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट से, है ना. ये थोड़ा फन पार्ट रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट में नंबर जो नीचे वाला नंबर है वो है BCAA. अरे मत पैसे ख़राब करो भैयो, इन पे मत पैसे ख़राब करो. एग्स में है, चिकन में है, मिल्क में है, वे प्रोटीन में है, नट्स में है, अमीनो एसिड्स हैं, सब में होता है, ठीक है. लोगे ठीक है, नहीं लोगे तब भी ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि इतना कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये, ठीक है. सो ये देख लो आप, मैंने सबसे पहले इसका नाम लिया है BCAA का, ठीक है. आई होप आप मेरी बातें समझ जाएं, क्योंकि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने पैसे वेस्ट कर करके और छोड़ के देखा है कि बॉडी में रिजल्ट्स क्या आते हैं. क्या फ़र्क पड़ा BCA छोड़ के, क्या फ़र्क पड़ा, घंटा फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है. तो मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके मनी आपकी सेव हो जाए, ठीक है. एंड देन द वर्स्ट सप्लीमेंट मल्टीविटामिन, सबसे चीपेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है. 20-25 रुपए के रेडी हो जाते हैं, कितने कितने महंगे बेचते हैं. आई डोंट यूज़ मल्टीविटामिन एट ऑल, ठीक है. आई गेट इट फ्रॉम रेड मीट, मैं चिकन से मिल जाता है मुझे, रेड मीट से मिल जाता है. आई ईट वेजेस, आई ईट ब्लूबेरीज, आई ईट फ्रूट्स, मेरा न्यूट्रिशन इज़ ओके, माई ब्लड रिपोर्ट इज़ ओके, सो आई डोंट टेक इट. मल्टीविटामिन्स सो इम्पॉर्टेंट, लास्ट ये है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब कि टॉप लिस्ट ऑफ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. टॉप लिस्ट नंबर 1 क्या हो सकता है, आप गेस करो. चलो फिर मैं आपको बताता हूँ, जो लड़के लेते हैं और फिर इसको कंज्यूम करने के बाद सोचते हैं कि भैया पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पता नहीं क्या ही खा लिया हमने, वो ले रहे हैं हम आर्जिनिन, एल आर्जिनिन 1500-1500 रुपए की आती है भाई, 1000-1500 एल आर्जिनिन लेते हैं, वेंस देखनी है. जब तक आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होने वाली है ना, आपकी वेंस नहीं दिखने वाली है. आप इमेजिन करो यार, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 20 है, आप एल आर्जिनिन ले रहे हो, क्या होगा उससे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई. इट्स जस्ट हेल्पिंग योर हार्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, पंप हो जाएगा ब्लड उसमें. हाँ अगर आपको किसी और एस्पेक्ट के लिए लेना है तो ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो कि एल आर्जिनिन से मेरी वेंस पंप हो जाएंगी तो दैट्स नॉट गोना हैपन. ये वर्स्ट है, वर्स्ट, दीज आर वर्स्ट, ठीक है. तो चलिए अब आते हैं टॉप 6 की 6th पोजीशन पे, दैट इज ओमेगा 3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं हमेशा कंज्यूम करता हूँ इन माई डे, 3 से 4 ग्राम पर डे लेता हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट. माई बॉडी वेट इज़ 90, आई टेक 3 to 4 grams ऑफ ओमेगा 3 पर डे. हार्ट हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है. इसको मैं फिनिश होने नहीं देता हूँ, सच में कह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो नंबर 5 पे आते हैं हम,
जो मैं कंज्यूम करता हूँ यहाँ पे, दैट इज एल ग्लूटामिन। अब आप कहोगे भैया BCA आपको उससे मिलता है, एल ग्लूटामिन तो मिलता होगा ना आपको। भाई मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि उसको छोड़ने के बाद क्या हुआ मेरे को। पहले मैंने उसको यूज़ करा, फिर जब मैंने छोड़ा उसको, क्या रिस्पॉन्ड आया मेरी बॉडी पे, क्या फील करा मैंने, मेरी रिकवरी कैसी हुई, क्या रिजल्ट्स क्या आए। तो जब मैं इसको छोड़ता हूँ, सपोज मैंने अगर आज लेग्स लगाई हैं, जिस दिन मैं एल्ग्लूटामिन नहीं कंज्यूम करता हूँ, आई फील लेस रिकवर्ड यार, सच में कह रहा हूँ। मैं हमेशा इंटेंसिटी पे ट्रेन करता हूँ अपनी, फुल इंटेंसिटी पे। और जब मैं इसको छोड़ देता हूँ, लाइक अगर मैंने वे प्रोटीन में एल्ग्लूटामिन मिक्स नहीं किया, आई फील टायर्ड थ्रू आउट द डे। जिस दिन मैं एल्ग्लूटामिन 10-15 grams कंज्यूम करता हूँ, आई फील एनर्जेटिक, सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कोई स्टडी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद पे करा है। और आपको अप्लाई करना है करो, नहीं करना है भैया आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नंबर 4 पोजीशन पे क्रिएटिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम क्रिएटिन छोड़ते हैं, आप खुद पे अप्लाई करके देख लेना, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्लाइटली ड्रॉप, 10-15% ड्रॉप रहेगी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन जब आपको हो जाते हैं, आपका क्रिएटिन फिनिश हो जाता है, यू विल डेफिनेटली सी अ स्लाइट ड्रॉप इन योर स्ट्रेंथ। मतलब कि आपकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है जिस दिन आप ये छोड़ते हो। अब बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, सच बोल रहा हूँ ना। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट लेट माई क्रिएटिन फिनिश, मैं इसको फिनिश होने नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, सो ये मैं आपको टॉप 6 बता रहा हूँ जो कि मेरे को चाहिए एवरी डे। ठीक है, वो तो चलो वेस्टेज ऑफ मनी है ना, दैट वी डोंट नीड। आई टेक 6 grams, 6 ग्राम लेता हूँ मैं पर डे, 3 प्री में और 3 पोस्ट में। समटाइम्स सीजन, जैसे मेरा आज ऑफ डे है तो आज मैं सिर्फ 3 ग्राम लूँगा, आज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही कंज्यूम करूँगा, बट आई टेक इट एवरी डे। कोई साइकिल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं 12 महीने क्रिएटिन यूज़ करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, कॉम्पिटिशन डेज में भी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मसल मैंने एशिया विन करा था, मैंने आई वॉज टेकिंग क्रिएटिन इन माई कार्ब लोडिंग। ठीक है, फोटो दिखा रहा हूँ आपको, देख लो कैसा था मेरा कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है भैया, अब आ रहे हैं टॉप 3 पे, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं किसको कहाँ पे रखूँ, टॉप 3 किसको दूँ मैं पहले। सप्लीमेंट्स तो मेरे को पता है, लेकिन मैं टॉप 3 पोजीशंस देख रहा हूँ किस किस को दूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो नंबर 3 पे मैं रखूँगा वे प्रोटीन को, वे प्रोटीन आइसो, आई टेक आइसो। इसकी डाइजेशन अच्छी रहती है, मेरे को ब्लोटिंग नहीं होती है, मैं मिल्क थोड़ा अवॉइड करता हूँ तो आइसो में से थोड़ा लैक्टोज निकल जाता है, सो दिस इज़ गुड फॉर मी। नंबर 3 पे रख रहा हूँ मैं इसको। आफ्टर वर्कआउट आई टेक 1-2 scoops पर डे, और आई डोंट लेट इट फिनिश। अगर कभी फिनिश हो जाए तो मैं वरी नहीं करता हूँ इतनी, क्योंकि मेरा चिकन और एग से पूरा हो जाता है, लेकिन वे प्रोटीन इज़ अ मस्ट हैव। ओके, अब आप सोचोगे 2 positions क्या है ये, मैं बताता हूँ आपको, टॉप 2 positions, राइट। तो पहले बात करेंगे 2nd number की, तो यहाँ पे मैं रखूँगा, सोचो आप, अब आपके पास सप्लीमेंट्स हैं सारे, आप सोचो क्या हुआ है इसमें, सोचो, बाकी मैं बताता हूँ आपको। नहीं, चलो, इट्स प्रोबायोटिक्स। अब आप देख लो, मैंने इसको वे प्रोटीन के ऊपर रखा है 2nd number में, क्यों? जब तक आपके डाइजेशन इशू अच्छा नहीं है, जब तक आपका गट हेल्दी नहीं है, आप कितना भी प्रोटीन इंटेक ले लो, चिकन खा लो, एग्स खा लो, मीट खा लो, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड बैक्टीरिया इन योर गट, डाइजेशन अच्छी नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ टेक प्रोबायोटिक्स, एनी ब्रांड, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को मत पूछना भैया कौन सा ब्रांड है, क्या ब्रांड है, जो अच्छा लगता है भैया उठा लो, किसी ब्रांड पर ट्रस्ट है तो उठा लो। ठीक है, अब आप ये बताओ 1 position पर क्या होना चाहिए। चलो मैं आपको 10 seconds दे रहा हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एनी गैसेस गाइस? चलो मैं बता देता हूँ, यह है मैग्नीशियम ग्लिसिनेट। अब यार मैंने देखो इसको कितनी प्रायोरिटी दी है, लाइट चली गई, क्योंकि इसने मेरी स्लीप इम्प्रूव करी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छा सोओगे नहीं, रिकवर कैसे करोगे वर्कआउट से, सब चीज़ें चल जाएंगी।
सबके बिना चल जाए, लेकिन मैग्नीशियम ग्लिसिनेट सप्लीमेंट स्टैक में मेरे को चाहिए ही चाहिए एवरीडे। अगर मैं अच्छा सोऊंगा नहीं, मेरी रिकवरी अगले दिन नहीं होगी, मैं खिजा रहूंगा, मैं टायर्ड रहूंगा, मैं अगले दिन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स, गट इश्यूज़ भी इसी से होते हैं। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, यू विल हैव गट इश्यूज़। तो मैग्नीशियम ग्लिसिनेट एवरी डे, एवरी डैम डे फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, ठीक है, यू डोंट नीड एनी डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, कंज्यूम करो इसको। तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नंबर 9 से शुरू होते हैं, 9 सप्लीमेंट्स मैंने बताया। सबसे लीस्ट जो है BCA, मल्टीविटामिंस, आर्जिनिन, देन टॉक्स, एल-ग्लूटामिन, क्रिएटिन एट नंबर 4, एंड देन वे प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, एंड द टॉप पोजीशन इज, द विनर इज मैग्नीशियम ग्लिसिनेट। तो ठीक है ना, मैंने आपके ये डाउट्स क्लियर कर दिए, कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए, यू कैन ऐड दैट इन योर स्टैक। थैंक यू सो मच, दिस इज योर फ्रेंड ऐश, ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब, हेल्पिंग यू आउट। मच लव।